नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज के न्यूज में बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित। ये हैं शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी, जो आज क्षेत्र इटावा में महाशिवरात्रि पूजा पर निकले थे। हालांकि काफ़ी भीड़ था, अभ्यर्थी भी पहुंचे थे 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग वाले, लेकिन माहौल काफ़ी खुशनुमा था। हालांकि अभ्यर्थी सिर्फ उनसे नमस्ते किए और हाल चाल ही ली है, क्योंकि मंत्री जी से 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया, क्योंकि कल ही लीगल टीम की ओर से बता दिया गया था कि मंत्री जी से बात करने पे बताया गया था कि आपके लिस्ट पे काम जारी है। अपने क्षेत्र के कई एरिया में मंत्री जी आज गए और भीड़ भी काफ़ी अधिक था। जनता से संवाद करते हुए संशोधन पर एक नोटिस आ गया है, जो कि 15 तारीख के लिए, यहाँ पर देखिए, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है। ये पत्र है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शासन द्वारा, जिसमें प्रत्यांक यहाँ पर दिखा गया है। इसके बाद 10/3/2021, विषय है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण। यहाँ पर लिखा गया है, महोदय कृपया उपयुक्त विधेयक शासनादेश संख्या 80/68/5/2021 दिनांक 5 मार्च 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रसिद्धि प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में अस्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। शासनादेश संख्या फिर दिनांक 4/12/2020, जो कि पहला वाला था, इसमें शासनादेश संख्या 1699, फिर 2020 दिनांक 10/12/2020, शासनादेश संख्या 53, जो कि 5/2021 दिनांक 15/1/2021 तक द्वारा, यहाँ पे देखिए, ये परिषदी प्राथमिक विद्यालय में चयन नियुक्तियों में अभिलेखों में विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु गठित समिति की आख्या संस्तुति दिनांक 13/12/2020 के अनुसार अग्रतर कार्यवाही की जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कृपया शासनादेश 5/3/2021, यानी कि जो पिछले 6 मार्च को, यानी कि सॉरी 5 मार्च को, यानी 6 दिन पहले जो निर्देशानुसार एवं तद विषयक निर्गत शासनादेश के कम नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 15/3/2021 से अनिवार्य रूप से परिषदी कार्यालय में ईमेल द्वारा उपलब्ध कराना है। यहाँ पर डेडलाइन दे दी गई है 15/3/2021, यानी कि आज है 11 तारीख, और यहाँ पर 4 दिन के अंदर, यानी 3 दिन के अंदर अब ये कार्य करके पूरा उनको देना है। तो ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराना है, जिससे कि लेट ना हो। यहाँ पर प्रताप सिंह बघेल, उसके बाद नीचे सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का सिग्नेचर है। बार बार टीम की ओर से अब रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, किसी के बताए कटाव से भ्रमित होकर हताश निराश से दूर रहें। संघर्ष आप सभी ने किया है, तो परिणाम स्वरूप कटाव आप सभी के उम्मीद से अधिक डाउन मिलेगा। कारण क्या हुआ, आज किसी ने कटाव बता दिया, जिसके बाद एक अभ्यर्थी की तबीयत ही खराब हो गई थी और बीपी लो होने के कारण काफ़ी नाजुक हालत हो गया था। तो इसलिए किसी भी कटाव पर, किसी भी टीम के कटाव या किसी के यूट्यूब के कटाव पर विश्वास ना करिए। सिर्फ जो लीगल रूप से विभाग जारी करेगा उसी पे विश्वास रखिए, क्योंकि कोई भी कटाव नहीं बता सकता, सिर्फ आपका समय जाया करेगा अगर कोई भी कटाव बताएगा। इसीलिए हमने अभी तक कटाव पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। कारण क्या है कि कटाव बताना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि अब सीटों की संख्या भी कम हो गई है, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आपका कटाव डाउन मिलेगा। 22,000 सीट के लिए जुड़वाने के लिए लगातार अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है। ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से वे अपनी बात को शासन तक पहुँचा रहे हैं। ये आज की न्यूज 11 मार्च 2021, इसमें बताया गया है कि 20 स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं रसोइया, तो दांव पर भविष्य, शिक्षक विहीन है या स्कूल, 55 स्कूल में तैनात है 41 शिक्षक। तो 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि सफर तो पूरा ही कर चुका है, सिर्फ 8 से 10,000 और सीटों को छोड़कर, उसके बाद भी शिक्षकों की कमी भी पूरी नहीं हो पाई है। दांव पर है भविष्य, शिक्षक विहीन है स्कूल, रसोइये पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कई शिक्षकों के पास तो दो दो स्कूल का है प्रभार। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी पद खाली हैं। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का मामला है कि 20 स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं रसोइये।
लगातार अभी भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। 6 विषयों को नहीं मिले एक भी योग्य अभ्यर्थी। 37 विषयों में प्रवेश को 4,641 ने किया था आवेदन। तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सही संगठन 37 विषयों में पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया। हैरानी वाली बात क्या थी कि 6 विषयों में एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। केवल गणित में नेट 11 पे उत्तीर्ण 23 अभ्यर्थी इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे। बाकी कुछ विषयों में इक्का दुक्का, कुछ की सीटें पूरी तरह से खाली हो जाएंगी। 31 विषय में कुल 781 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इलाहाबाद से संबंधित कई विद्यालयों में पीएचडी प्रवेश के लिए 17 जनवरी को शहर के 14 केंद्रों पर संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट का आयोजन किया गया था। तो ये थी आज की वीडियो, और यहाँ पर मंत्री जी का भाषण जो वहाँ पर दिए हैं उसको सुना दे रहे हैं। अगर हमको करने का अवसर मिला है जो नहीं हुआ, वह अगर हमको करने का अवसर मिला है तो ईश्वर की कृपा ही है। शायद ये सब हमारे लिए एक छोटा था। अब जैसे अभी अभी प्रेमचंद बाबू सड़क के लिए लड़ाई कर ही रहे हैं, जब से वो सड़क माता गुरु के दस्तक निधि चली गई, कोरोना आ गया, दुर्भाग्य से कोरोना लड़ने में विधायक मुझे नहीं मिली। अभी वो वादा करके मैं बैठा ही हूँ कि उस सड़क को बनाऊंगा, लेकिन हम स्वभाव से ऐसे हैं, थोड़े आध्यात्मिक ऐसे, जब हम ऐसे किसी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां कोई असुविधा दिखती है तो बर्बस ही हमारे मुंह से निकल जाता है। मैं आते ही पूछा कि बगीचा कितना, क्योंकि मन में चल रहा था कि मंदिर तो बन रहा है। बरसात के समय में या ऐसे समय में महिलाएं खासकर वो घर से तैयार होकर के नया साड़ी कपड़ा पहन के महावर लगा के पैर में चलती हैं, और जब कीचड़ में घुसती हैं तो उनका सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। प्रभु की ही संपत्ति है ये बगीचा और ये सब, तो जो सड़क हमने प्रेमदत्त जी को कही है बनाने को, उसमें कोई कटौती नहीं कर रहा, उसी के साथ इस मेन रोड से और इस मंदिर तक का यह भी जोड़ रहा हूँ, और यह भी हमारा कर्जा हो गया। आऊंगा जरूर, तो जब भी आऊंगा तो यहाँ आऊंगा जरूर।